हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मनदीप है और आज हम एक कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, डिलीट नोड इन ए लिंग्विस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोडिंग प्रॉब्लम है। मैं आज इसकी इंट्यूशन भी बताने वाला हूँ और 4 or 5 लाइंस ऑफ पाइथन कोड के साथ इसको सॉल्व करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें बेसिकली क्या है कि आपको एक राइट अ फंक्शन टू डिलीट अ नोड इन ए सिंगल लिस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंगली लिंक्ड लिस्ट आपको दे रखी है और आपको हेड का एक्सेस नहीं है, आपको नहीं पता कि हेड कहाँ है, और आपका पॉइंटर एक नोड के ऊपर है, आपको वही नोड डिलीट करनी है डायरेक्टली। तो आपको नहीं पता कि हेड कहाँ है और हेड का एक्सेस नहीं है, तो जिस नोड के ऊपर पॉइंटर है आपको वो डिलीट करनी है। और इसमें एक चीज और बोल रखी है, इट इज गारंटेड दैट नोड टू बी डिलीटेड इज नॉट टेल नोड इन द लिस्ट। सो ये बोल रहे हैं कि जो नोड डिलीट करने वाले हैं वो टेल नोड कभी नहीं होगी, दैट मीन्स कि लास्ट नोड कभी नहीं होगी। तो जैसे इसमें अगर हम एग्जांपल में देखें, 4 5 1 9, 4 5 को पॉइंट कर रहा है, 5 1 को पॉइंट कर रहा है, 1 9 को पॉइंट कर रहा है। तो हमें हमारा गिवन नोड 5 है, 5 को हमें डिलीट करना है, 5 को डिलीट करेंगे तो ये हमारी ऐसी नोड आ गई। ठीक है, ऐसे ही ये 4 5 1 9 में अगर हम 1 को डिलीट करना है तो 4 5 नोड मिल जाएगी। ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स भी बता देता हूँ। द नंबर ऑफ नोड इन द गिवन लिस्ट इज इन द रेंज ऑफ, सो मिनिमम नंबर ऑफ नोड लिस्ट में 2 हो सकती हैं और मैक्सिमम 1000 हो सकती हैं। नोड की वैल्यू 1000 और -1000 और +1000 के बीच की है। द वैल्यू ऑफ इस नोड इन द लिस्ट इज यूनिक, कोई डुप्लीकेसी नहीं है। द नोड टू बी डिलीटेड इन द लिस्ट इज इन द लिस्ट एंड इज नॉट ए टेल नोड, मतलब कि जो नोड हमें डिलीट करने के लिए बोली गई है वो लिस्ट के अंदर है और वो कभी भी टेल नोड नहीं होगी। तो ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो पहले मैं आपको इसके इंट्यूशन बता देता हूँ, फिर फटाफट कोड लिखेंगे। तो जैसे हमारे इसमें दे रखा है कि 4 5 1 9, ये मेरी एक गिवन सिंगल लिंक लिस्ट है जो कि ये हमारी गिवन है। ठीक है, और इसमें फिर बोला गया कि 5 को डिलीट कर दो तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ये समझिए कि इसको करने का क्या तरीका है। आपका पॉइंटर यहाँ पे है, आप पीछे नहीं जा सकते सिंगल लिंक लिस्ट में। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि आप पीछे कभी भी नहीं जा सकते। आप जैसे एक बार आगे आ गए, वहाँ से आगे ही जा सकते हो, वहाँ से पीछे कभी नहीं जा सकते सिंगल लिंक लिस्ट के केस में। सो और इसमें तो हेड का भी एक्सेस नहीं दिया गया, इसमें बस सिंपली ये बोला गया कि आपको एक पॉइंटर दे रखा है, वो 5 को पॉइंट कर रहा, मतलब जो भी गिवन नोड को, इस केस में 5 है वो, तो आपको वही डिलीट करनी है। तो इसको डिलीट करने का क्या तरीका होगा, डिलीट करने के बाद अगर आप रिजल्ट पे देखें तो एक चीज ऑब्जर्व करी होगी आपने, डिलीट करने के बाद होता क्या है कि 4 जो है, 4 का पॉइंट जो है बेसिकली उससे जो नोड डिलीट करनी है उसके आगे वाली नोड पे पॉइंट करने लग जाएगा, क्योंकि ये तो डिलीट हो जाएगी और फिर ये 1 9 आगे की लिस्ट ऐसे कैसे रहेगी। तो हमें इसको करने का क्या तरीका है, इसको करने के 3 स्टेप हैं। सो पहला स्टेप ये है कि हम क्या करेंगे कि जिस नोड के ऊपर बैठे हैं हम, क्योंकि यहाँ से सिर्फ आगे जा सकते हैं पीछे नहीं जा सकते, तो इसमें कैच यही है, हम यहाँ से आगे जा सकते हैं पीछे नहीं जा सकते, लेकिन हमें करना ये है कि इससे पीछे वाली नोड जो कि इसमें 4 है, दैट मीन्स कि 4 उसको पॉइंट करवाना है इसके आगे वाली नोड से, लेकिन हम पीछे नहीं जा सकते। तो इसके करने का तरीका ये है, स्टेप वाइज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको ये सिंगल लिंक लिस्ट दे रखी है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम 2 वेरिएबल ले लेंगे, 4 5 1 9, 1 और 9। एक पॉइंटर जो कि पॉइंट करेगा, ये मेरा करंट नोड है बेसिकली जो कि हमें गिवन है, और ये पॉइंटर है NN मीन्स नेक्स्ट नोड। तो हम यहाँ पे हैं, हमें इसका पता है, इससे आगे का भी पता है, इसके पीछे का नहीं पता, लेकिन हमें पीछे वाली नोड का पॉइंटर को इससे जोड़ना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे, हम जो नेक्स्ट नोड है, एक वेरिएबल ले लिया या पॉइंटर ले लिया जो कि इसके नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, और एक और वेरिएबल ले लिया जो कि उसकी भी नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नोड को। ठीक है, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि 4 हम जो नेक्स्ट नोड की वैल्यू है, दैट मीन्स कि 1, वो हम इसमें कॉपी कर देंगे, दैट मीन्स कि इसमें। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू पता है,
क्योंकि ये नेक्स्ट नोड पे ये वाला पॉइंटर जो है इस पे पॉइंट कर रहा है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और उसकी वैल्यू इसमें कॉपी कर देंगे। तो कॉपी कर देंगे तो हमारी रियल लिस्ट क्या बन जाएगी, 4, 1, 1, 9। अब ध्यान से देखो तो हमारे पास 2 1 आ गए, इनमें से हमें एक एक डिलीट करना है, हम यहाँ पे बैठे हैं ठीक है, और हम यहाँ पे हैं और हमारे पास एक पॉइंटर यहाँ पे है जो कि एन एन पे है और जो कि एक एन टू एन पे है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये क्योंकि हम पीछे नहीं जा सकते, हमें पीछे हम पीछे नहीं जा सकते, हमें पीछे वाला क्या करवाना था, एक से पॉइंट करवाना था जो कि अभी हो गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो हमें क्या करवाना था कि जो पीछे वाली नोड है उसको इससे पॉइंट करवाना था जो कि अभी कर रहा है, 4 1 से पॉइंट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली ये करेंगे, और अभी हम करंट नोड इसके ऊपर है, इसके ऊपर। तो अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 4, इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है, जो कि नेक्स्ट पॉइंटर है वो इस पे पॉइंट करवा देंगे ठीक है। अब क्या हो गया कि इस 9 के ऊपर 2 नोड पॉइंट कर रही है, ये वाली भी और ये वाली भी। अब हमें क्योंकि हमारा ये वाला पीछे वाली प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई है, 4 1 को पॉइंट कर रहा है और ये 1 9 को भी पॉइंट कर रहा है, तो ये जो बीच वाली नोड है ये हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, दैट मीन्स कि इसको नल से पॉइंट करवा देंगे। तो फिर क्या होगा, हमारी फाइनल नोड ये बन जाएगी ठीक है। अब मैं इसे ये 4 स्टेप कोड में लिखने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल है, अगर आप ध्यान से देख के करेंगे तो बहुत ही आसान है, हो जाएगा। आप किसी भी एक मेरी आप मेरी साइड से एक ये सलाह मानिए कि किसी भी कोडिंग प्रॉब्लम को पहले कोडिंग प्रॉब्लम ना देखें, उसको एज ए पजल या मैथमेटिक्स प्रॉब्लम की तरह देखें, कि हम उसको उन लाइंस पे सोचें कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम उसके लिए कोड लिख सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एक नेक्स्ट नोड जो कि हमारी नोड डॉट नेक्स्ट है, जो मेरी करंट नोड है उसका नेक्स्ट मैंने एक नेक्स्ट नोड पे पॉइंट करवा लिया। मुझे एक चाहिए था नेक्स्ट टू नेक्स्ट नोड जो कि मेरा जो ये मेरी नेक्स्ट नोड है उसका नेक्स्ट है बेसिकली। तो आप ये समझिए कि ये दो लाइन ऑफ कोड इज इक्वल टू दिस स्टेप। तो ये जो ये वाला जो स्टेप था, ये एक एन एन पे पॉइंट कर रहा है, एक एन टू एन पे पॉइंट कर रहा है ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था जो ये एन एन है, ये वाली जो नोड है बेसिकली दिस वन, इसकी वैल्यू इसमें कॉपी करवानी है पीछे वाली। सो बेसिकली हमें क्या करवाना है कि नोड डॉट वेल इज इक्वल टू जो कि मेरी नेक्स्ट अंडरस्कोर नोड थी उसकी वेल, मतलब नेक्स्ट नोड की वैल्यू जो जिस नोड पे हमारा पॉइंटर गया था उसमें कॉपी करवा दी, हो गई कॉपी। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है कि जो हमने वैल्यू कॉपी करवाई है उस नोड का पॉइंटर बेसिकली नोड डॉट नेक्स्ट जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नोड की उससे पॉइंट करवाओ ठीक है। और जो मेरी बेसिकली नेक्स्ट नोड थी बेसिकली ये वाली, अब फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो तीसरी लाइन है वो ये है, ये मेरी तीसरी लाइन है ठीक है। और चौथी लाइन में मैंने क्या किया, कॉपी करवाने के बाद मैंने इसका पॉइंटर इससे 9 से पॉइंट करवा दिया जो कि ये अभी करवाया है, एंड उसके बाद जो लास्ट नोड है नेक्स्ट नोड है इसको मैं नल से वो कर देता हूँ, नन, पाइथन में नल इज इक्वल टू नन, बस हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, अगर आप देखेंगे ये योर आंसर है, ये एक्सपेक्टेड आंसर है, और इसको मैं अगर सबमिट कर देता हूँ तो अभी सी एक्सेप्टेड, एंड अगर आप डिटेल्स देखना चाहे तो क्विकली डिटेल्स भी देख सकते हैं,
हमारा यहाँ पे है रन टाइम सॉल्यूशन अराउंड 27% लोगों को बीट कर रहा है. सो आवर मेमोरी यूजेज में 91% लोगों को बीट कर रहा है, मतलब हमने बहुत कम मेमोरी में इसको सॉल्व कर दिया. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो. सी यू देन.